साथियों जरा गौर करिएगा, इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी करता कौन था? जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी जो हर तरह से पिछड़े हुए लोग थे, वही राजे रजवाड़ों की गुलामी के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उनको मेरे साथियों भले ही अपने खेतों में, अपने घरों में काम करते हो, लेकिन अगर राजे रजवाड़ों का संदेश आ जाता था तो अपने खेत में काम करना छोड़कर वहां उनको जाना पड़ता था। ये दोहरी गुलामी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, इस देश में इस देश अंग्रेजों से तो आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश के राजे रजवाड़ों की आजादी के लिए इनको आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की सिफारिश से इस देश में जब साइमन कमीशन आया, तो उस साइमन कमीशन कमेटी को जिन इस देश के जिन लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, ऐसे लोग साइमन कमीशन को नारा लगाते थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन धन्य है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने अथक प्रयास करके, मेहनत करके उस साइमन कमेटी को इस भारत देश में मंगाने का काम किया। और दिन भर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब साइमन कमेटी के साथ सर्वे कराते थे और रात में पिछड़ों के बीच में जा करके ये बताने का काम करते थे कि कल आपके गांव में साइमन कमेटी के लोग आएंगे, आप भी सही बात को नोट कराएंगे कि मैं भी पिछड़ा हूँ, मैं भी शिक्षित नहीं हूँ, मैं भी सामाजिक रूप से पिछड़ा हूँ। अगर आप लोग सही चीज नोट करा लोगे, साइमन कमीशन के लोग अगर सूची बनाएंगे, जो लोग सूची में दर्ज हो जाएंगे, संसद एरिया के लोग अनुसूचित जाति में, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अनुसूचित जनजाति में, यानी एससी और एसटी की सूची में दर्ज हो जाएंगे और उन्हीं लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। हे मेरे सम्मानित साथियों, जब रातों में बाबा साहब लौट कर आते थे, तो जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो भी उन गांव में पहुंच जाते थे और कहते थे कि क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आपके गांव में आए थे? तो लोग बताते थे कि हाँ आए थे। पूछते थे क्या कह करके गए हैं? तो जब लोग बताते थे कि बाबा साहब कह करके गए हैं कि उस कमेटी को अपनी सही स्थिति नोट करा देना, तो तुरंत जो लोग आपको आरक्षण नहीं देना चाहते थे, वो लोग कहते थे कि अगर आप सूची में नाम दर्ज करा दोगे तो आपको अछूत हो जाओगे, शूद्र हो जाओगे, एससी समाज में हो जाओगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, वो लोग उस सूची में नाम दर्ज हो गया, वो क्या हो गए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। जिन्होंने बाबा साहब की बात को नहीं माना, वो पिछड़े के पिछड़े रह गए। वही आज है कौन? बघेल, पाल, धनगर और आपके होटल, आपके कश्यप, आपके प्रजापति, आपके लोहार, आपके विकास, आपके मल्ला, आपके जाट, आपके गुजर, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने, अपने दुश्मनों की बात को माने। लेकिन सम्मानित साथियों, धन्य है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने देखा आज में पिछड़ा समाज मेरी बात को नहीं मान रहा है, लेकिन कल को फिर से इनकी एक कमेटी बना करके सर्वे हो जाएगा तो फिर से इनको आरक्षण मिल जाएगा। उसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 के तहत संविधान में एक व्यवस्था दिया। एक पिछड़े समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बार 1952 में वोट पड़ा है और 1952 में जब फिर से हुकूमतें शुरू हुई तो फिर से पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए एक काका कालेकर आयोग की कमेटी 1952 में बनी है और जिसकी रिपोर्ट 55 में आ गई। लेकिन मेरे साथियों, इसके बाद भी संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी और आपकी रिपोर्ट आ जाने के बाद भी आपको आरक्षण नहीं दिया गया। एक बार सुखासन में जमीन मान से ये बात सामने आई कि पिछड़ों का जो काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर आरक्षण दे देना चाहिए। मेरे सम्मानित
साथियों, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो पुरानी हो गई है, इस रिपोर्ट के आधार पे पिछड़ों को ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मेरे सम्मानित साथियों, फिर से दूसरी मंडल कमीशन की आयोग करना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी संघर्ष करना पड़ा था। नंबर एक, इस देश में महिलाओं को चाहे जिस जाति समाज की नहीं हो, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके लिए जब संविधान कमेटी बन रही थी तो अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने संघर्ष करके महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका देने का काम किया था। दूसरी चीज, इस देश में जो वोट का अधिकार आपको मिला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब चाहते थे कि देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार मिले, लेकिन कुछ लोग जो कमेटी में थे वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार न दिया जाए, लेकिन धन्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि यदि ये देश आजाद हो गया है, इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं